जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली होने वाला है ट्रेनिंग पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब ज्वाइनिंग आने वाली है तो उनका ये डर लग रहा है कि ट्रेनिंग कैसी होगी। ट्रेनिंग के बारे में जितने भी आपने सुना जानकारी, कुछ सच है कुछ झूठ है आप सभी को पता है ट्रेनिंग, लेकिन एक वास्तविकता आपने ज़रूर सुनी है उसमें कि ट्रेनिंग हार्ड तो होती है। दोस्तों इसके साथ ही बता दूं, मैंने पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूरा वीडियो बना रखे हैं, दो वीडियो पुलिस वेरिफिकेशन पे, आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो पुलिस वेरिफिकेशन में। उनका लिंक भी दे दूंगा और वो एक दो दिन पहले ही डाला है, तो आप जरूर वीडियो चेक करके भी देख सकते हो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो फिर पुलिस वेरिफिकेशन पे। तो दोस्तों जो ट्रेनिंग का जो आपका मेन माजरा रहता है कि ट्रेनिंग हार्ड है या इजी है या कितनी इजी है, ट्रेनिंग में सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है और सबसे मुश्किल समय कौन सा होता है ट्रेनिंग का, तो इस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक वास्तविकता तो ये, तो आप मान के चलिए कि ट्रेनिंग हार्ड तो होती है, ये आपने सही सुना। क्यों? देखो ट्रेनिंग तो हार्ड होगी अगर, जैसे अगर आप शरीर को लेट रहोगे सोते रहोगे तो सोते सोते कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अभी आप जहाँ पे जिस माहौल में रह रहे हो उस माहौल में आपका पूरे दिन की दिनचर्या वो आपके अकॉर्डिंग होती है। ट्रेनिंग एक ऐसा शेड्यूल है वहाँ पर आपकी मर्ज़ी का कुछ नहीं होगा, आपको हर चीज़ के लिए आदेश मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, तो वो फॉलो ही करना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग का बेसिक जो रूल है होता है वो। सबसे जो मुश्किल की बात होती है वो यही होती है, अगर आप जैसे अगर अभी आप 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, आप अपने मूड से अभी रनिंग करोगे 5 किलोमीटर कर लोगे, लेकिन आपको उसमें मूड नहीं देखा जाएगा, वो उनकी अकॉर्डिंग टू कि भाई इस समय 5 किलोमीटर करनी है, दोपहर में करनी है तो दोपहर में करनी, शाम को करनी है तो शाम को करनी, अकॉर्डिंग टू यू नहीं होगा। तो ये तो एक वास्तविकता है कि ट्रेनिंग हार्ड होती है। कितनी हार्ड होती है कितनी नहीं होती, उससे पहले एक कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको जो शायद आपको ट्रेनिंग फिर आसान लगेगी, उसका एक रीज़न बता दूं। सबसे खास बात बता दूं दोस्तों ट्रेनिंग की, कि जो बंदा एक बार आर्मी की BSF, CRPF, CISF, ITBP, असम राइफल, SSF, NIA किसी भी सेक्टर की ट्रेनिंग कर लेगा। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि एक विशेष प्रशिक्षण जो किसी विशेष स्किल कैपेबिलिटी कैपेसिटी इनको बढ़ाता है, दक्षता को बढ़ाता है, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं पैदा करता है। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं इस प्रकार के मतलब स्किल या ज्ञान पैदा करता है जो कि आगे जाके आपके जीवन में काम आता है। आपको किसी भी चीज़ को निरंतर अभ्यास करवा करवा के सिखाना ही ट्रेनिंग है दोस्तों। उसका फ़ायदा क्या होता है, आप एक चीज़ इसमें लीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि 1 साल की ट्रेनिंग आपको आपके साथियों से 20 साल छोटा कर देगी उम्र में। आप देख लेना, आप जब ट्रेनिंग कर, अभी आपका शरीर देख के जाना, ट्रेनिंग करके आ जाना, उसके बाद में आप 20 साल बाद में जिस दिन आप 50 साल के रहोगे और आपका दोस्त 40 साल का भी रहेगा ना साथ वाला, उसको लोग 60 साल का बोलेंगे और आपको 50 साल का बोलेंगे या 40 साल का बोलेंगे, मतलब 10 से 20 साल का आप डिफरेंस कर दोगे उनके और आपके शरीर में, मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस इतनी हो जाएगी, आपकी जो चेहरे का धाव भाव पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों? प्रशिक्षण, ये शरीर है नश्वर है, अब जितना इसको मेहनत कराओगे, और आपको पता है कि हमको जैसे तकलीफ होने लगती है हम रुक जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है, आपको तकलीफ दी जाएगी ताकि आपकी क्षमता बढ़ाई जा सके। तो जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे आपके शरीर का स्टेमिना बढ़ेगा, आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी और चेहरे का एक अलग ही रंग आ जाएगा। और गारंटी है मेरी, आप 20 साल की सर्विस भी अगर फोर्स में करते हो, इसीलिए फौजी आप सोचिए कि जो भी फौजी आदमी है कोई भी आपके पास में अगर रिटायरमेंट होता है, उसके चेहरे का रंग हाव भाव या उसके जो शरीर की बनावट उसके साथ वाले साथियों से कितना मतलब अलग दिखता है। क्यों अलग दिखता है, क्यों अलग दिखता है उसी के साथ वालों से, अगर वो 40 साल की एज में बूढ़ा दिखने लग जाता है जबकि फौजी नहीं दिखता है, 20 साल की सर्विस करने के बाद में भी यंग दिखता है बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे जवान लड़का है। क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। तो अगर आप ट्रेनिंग में करोगे नहीं, ये मान के चलिए 1 साल की आपकी ट्रेनिंग आपकी 10 साल की आयु ऐसे ही बढ़ा देगी फ्री में, और 10 साल तक आपका शरीर ऐसे बिल्कुल फिट रहेगा। हमने 2017 में ट्रेनिंग की थी, अभी समय हो गया 2021, मतलब 4 साल का समय हो गया, वैसे के वैसे हम, और हमारे साथ वाले किसी की इतना तूंद आ रखी है, किसी की इतनी आ रखी है, किसी का ऐसे हो रखा है, कोई पीछे से टेढ़ा हो रखा है, कोई साइड से टेढ़ा हो रखा है, मेढ़ा है, मतलब पता नहीं क्या क्या उनकी स्कीम हो गई है, ठीक है। और हम जब जैसे बढ़ते हुए थे उस समय से जो फिटनेस है अभी तक बरकरार है, तो ये मतलब क्षमता होती है। इसीलिए ट्रेनिंग आपको हार्ड या ईजी नहीं देखना है, ट्रेनिंग को आपको ट्रेनिंग के तौर पर करना है। उसका ये मान के चलिए कि आपको उस ट्रेनिंग का कम से कम इतना फ़ायदा होगा कि आप 10 साल यंग दिखोगे, ये गारंटी है मेरी। कितने साल? 10 साल आप यंग दिखोगे और अलग दिखोगे। अगर कहीं से भी जाओगे ना, किसी भी रास्ते से, किसी भी गांव से, किसी भी शहर में जब घुसोगे ना, अलग से पहचान ले जाओगे कि ये फौजी आदमी है। उसका रीज़न ट्रेनिंग ही तो है मेरे दोस्त।
आप उनको देख के तो बनना चाहते हो, फौजी, फौजियों को देख के तो फौजी बनना चाहते हो, आप देखते हो किसी को फौजी को तो आपका दिल करता है मैं फौजी बनूँ, क्यों? उनकी फिटनेस। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा दोस्त, और वो है ट्रेनिंग। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रेनिंग हार्ड या मुश्किल कैसी भी हो, ट्रेनिंग हार्ड इसलिए होती है क्योंकि आपको निरंतर किसी जो चीज़ें आपको नहीं आती वो सिखाई जाती है और सीखने के लिए कुछ समय लगता है, तो वो आप ज़रूर कर लोगे और आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। ये मान के चलिए कि आपके लिए वो फ़ायदे का भंडार है, जितना फ़ायदा आपका पेशा इन सब चीज़ों से नहीं है उतना आपके शरीर के लिए है। जितने भी छोटे मेरे दोस्त हैं उनको कईयों को बीमारी होगी छोटी बड़ी, कि नॉर्मल उनके बीमारी है शरीर में, किसी के अस्थमा, किसी के और भी छोटी छोटी प्रकार, जल्दी बुखार आना, कईयों को सर दर्द करता, ये बीमारियाँ दूर हो जाएगी ट्रेनिंग करने के बाद में, बिल्कुल शरीर खिला खिला सा लगेगा, क्योंकि आप स्वस्थ खाओगे, स्वस्थ पहनोगे और स्वस्थ ही एक्सरसाइज करोगे, शरीर को वर्जिश करोगे, तो धीरे 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 अपने आप ये शरीर का फैट है ना टोटल साइडों का ये सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल यंग दिखोगे। तो ये सबसे बड़ी खास बात है ट्रेनिंग की। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग में सबसे हार्ड सेशन कौन सा होता है। जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग का सबसे हार्ड सेशन होता है वो फर्स्ट 3 महीने होता है, उसके बाद में ट्रेनिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 महीनों में सबसे जो हार्ड रखता है वो आपको पहला महीना लगेगा, क्यों? क्योंकि आप घर के परिवेश में अभी रह रहे हो, घर पर रह रहे हो, आपको पता नहीं कि ट्रेनिंग में कैसे रहते हैं, किसी का ऑर्डर फॉलो कैसे करते हैं, उसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। अभी आप अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आप फोर्स ज्वाइन कर लोगे, बेल्ट की जॉब ज्वाइन कर लोगे, आपकी मर्जी के मालिक नहीं रह पाओगे फिर। इसीलिए सबसे खास बात है कि आपके जो सबसे महंगा या सबसे भारी जो महीना पड़ने वाला पहला महीना, उसके बाद में आपको इजी लगेगा। ट्रेनिंग में सबसे हार्ड ट्रेनिंग कौन सी होती है? तो सबसे हार्ड जो ट्रेनिंग होती है वो होती है BOC, बैटल ऑप्टिकल, जिसमें वो रस्सा चढ़ना, वो इनमें थोड़ा गिरने का डर रहता है, तो ये थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन ये शुरू में शुरुआत नहीं होती, इसकी बाद में। एक होती है BPT, तो वो भी उसमें वेट लेके जो रनिंग वनिंग करनी पड़ती है वो, लेकिन ये सब ईजी हो जाएगा कब? जब आप दिमाग में ये लेके चलोगे कि इससे मेरे शरीर को कितना फ़ायदा हो रहा है, मतलब बहुत फ़ायदा होता है उससे शरीर को। भाई आपको पता है कि अभी आप जैसे आप कई लोगों को ये डर है कि सर रनिंग कितनी होती है, रनिंग कितनी होती है, आप यकीन मानिए 101% आप लोगों में से अचंबा करेंगे ट्रेनिंग में जाके कि मेरे पास, मतलब मेरे में इतना टैलेंट है, मैं इतने किलोमीटर की रनिंग इतने से टाइम में कर देता हूँ, या इतनी किलोमीटर की रनिंग मैं ऐसे कर देता हूँ। धीरे 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 आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं था, इससे पहले अगर मेरे को इतना विश्वास होता तो मैं आर्मी की रनिंग भी फाइट कर लेता। क्योंकि ट्रेनिंग में आपको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी रनिंग वनिंग, कुछ चीज़ें पनिशमेंट के तौर पे, कुछ चीज़ें आपको फोर्सली कि भाई आपको ये फाइट करना ही करना, आप पे एक प्रेशर रहता है कि मुझे इस टाइम में आने आना है, तो ऑटोमेटिकली आते हो। घर पे क्या कि आपके वो प्रेशर नहीं रहता, 5 किलोमीटर आप 22 मिनट में आए थे कोई टेंशन नहीं, 23 में आए थे कोई टेंशन नहीं, 25 में आए टेंशन नहीं, वहाँ पर टेंशन है, आपको आना ही आना है, ठीक है। तो सबसे जो हार्ड सेशन होने वाला है फर्स्ट 3 महीने का होता है, उसमें ड्रिल भी चलती है क्योंकि उसमें पूरे दिन खड़े रहने का काम होता है, ड्रिल चलती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए। उसके अलावा मैंने बताया कि आप घर से पहली बार दूर होते हो और फर्स्ट टाइम आपको फिजिकली लोड पड़ता है शरीर पर, एक रूटीन में आना पड़ता है, तो इससे वो थोड़ा सा हार्ड लगता है। बाकी उसके बाद में जैसे वेपन ट्रेनिंग आ जाती है थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि वेपन को फिर बैठ के सीखते हैं, उसके बारे में सिखाते हैं वेपन ट्रेनिंग, फिर आपका मीटर ब्रेक के बाद में तो आपको पता ही नहीं चलेगा ट्रेनिंग कैसे निकलेगी, क्योंकि उसके बाद में आपको सब चीज़ें आने लग जाती है कि भाई कौन सा काम कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से सीख जाते हो, तो उसके बाद में तो आपको ट्रेनिंग का पता ही नहीं चलेगा। हाँ साथ में रहता है कि संडे को फ्री मिलता है, नहीं मिलता, बिल्कुल संडे को फ्री मिलता है, बाहर घूमने को भी मिलता है। अगर आप किसी ऐसी जगह जैसे कश्मीर अगर कोई ट्रेनिंग करा तो उसको नहीं मिलेगा, बाकी और सब जगह ट्रेनिंग सेंटरों में बाहर संडे ऑफ रहता है 100%, RGH भी ऑफ रहती है त्यौहार व्यवहार के दिन भी, और आपको बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट होने वाला है ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग के लिए चिंतित होकर कोई भी इस प्रकार का ना सोचे कि मैं ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, मेरी से ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी, गारंटी आप ज्वाइन कर लेना ट्रेनिंग हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तब फिर बोल देना, नहीं हो तो मेरे से कॉल करके बोल देना कि सर मुझसे ट्रेनिंग नहीं हो रही, गारंटी मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए ट्रेनिंग कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे और बहुत ही ईजी शेड्यूल रहेगा वो, इसीलिए ट्रेनिंग आसानी से कर लोगे, ट्रेनिंग के लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जय हिंद।